सिर्फ 25 गज में बना था 5 मंजिला मकान, कुछ सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढेर। भारी बारिश में खत्म हुआ सब कुछ। अब तक 4 लोगों की मौत, कई घायल। देखिए दिल्ली हादसे पर सबसे बड़ी अपडेट। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में करोल बाग के बापा नगर इलाके में 5 मंजिला मकान के 4 फ्लोर भरभरा कर गिर गए। धमाके की आवाज के बाद पड़ोसी भागे तो 4 मंजिला मकान मलबे में तब्दील हो चुका था। हादसे के समय मकान की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर मौजूद कारखाने के 18 मजदूर मलबे में दब गए। शोर शराबे के बीच पड़ोसियों ने मामले की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। मकान गिरने की खबर मिलते रही, जैसे ही वहां मिली पुलिस, दमकल विभाग, कैट्स एम्बुलेंस के अलावा एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से मिलकर मलबा हटाने का काम शुरू किया। बाद में मलबे से एक एक करके 18 लोगों को निकाला गया, जिसमें से 4 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं बचाव दल के मौके पर पहुंचने तक स्थानीय लोगों ने लगातार वहां मदद की। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने गुलफाम, इकरामुद्दीन, निजामुद्दीन, सरन और आरब को बाहर निकाल लिया था। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने उवेज, सलीम, अमन, समी, जुनेल, मुकीम और सन्नी को बाहर निकाला। घायलों को पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से RML और लेडी होर्डिंग अस्पताल में भर्ती करवाया। DCP M. हर्षवर्धन ने बताया कि पुलिस को बापानगर इलाके में ग्राउंड के अलावा ऊपर बने 4 मंजिला मकान के ढह जाने की सूचना मिली थी। कोर्लर ने बताया कि लोग उसमें फंसे हुए हैं, आवाज लगा रहे हैं, बगल की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में कुल 13 लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जिसमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। एक घायल व्यक्ति को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं सभी मृतक यूपी के रामपुर जिले के खातानगर गांव के रहने वाले हैं। इनमें मुकीम, मुजीब, मोहसिन और महिलाओं की चप्पल बनाने का ये लोग काम करते थे। वहीं मृतक अमन काम सीखने के लिए आया था। DCP ने बताया कि MCD को प्रभावित क्षेत्र से मलबा हटाने के लिए कहा गया, क्योंकि बचाव अभियान समाप्त हो चुका है। इस बाबत प्रसाद नगर थाने में BNS की धारा 106-290 के तहत केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे एक्शन लिया जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार की भावी मुख्यमंत्री आतिशी ने RML हॉस्पिटल जाकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात भी की। उन्हें ढांढस बंधाते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि मकान महज 25 गज में बना हुआ था और इतनी छोटी जगह में 5 मंजिला मकान उठा लेना भी चुनौती का विषय है। और इस प्रकार के जो निर्माण होते हैं उन्हें परमिशन कैसे मिल जाती है, कैसे उन्हें ये परमिशन दे दी जाती है, ये भी सवाल उठता है। भारी बारिश के चलते इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतने लोगों की जान चली गई, आखिरकार जो जवाबदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार।